तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दो अगेन सुपर हॉट आइडियोज की जो कि लिस्ट हो सकते हैं 50x 100x के ऊपर। जिन लोगों को व्हाइट लिस्ट करने का मौका मिला, इनके ऊपर व्हाइट लिस्ट हो गए तो उनकी हो सकती है मोजे, और जिन लोगों को एलोकेशन मिल गई उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हो सकता है इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स के ऊपर। आपको मैं बता देता हूं, मैं आज इसके ऊपर इसमें से एक प्रोजेक्ट के ऊपर $2000 का गिव अवे भी कर रहा हूं, जिसके ऊपर पार्टिसिपेट कर लीजिएगा और सिंपली अपना दो तीन रूल्स है उसको फॉलो करिए और $2000 के उसके ऊपर गिव अवे के ऊपर आप अप्लाई कर पाएंगे, $100 मिलेंगे 20 लोगों को। अभी कुछ दिन पहले मैंने ये जो आइडियो स्ट्रेटजी आपको बताई थी, अभी तक हम 7-8 आइडियोज के ऊपर लगा चुके हैं जो कि लॉन्च हुए हैं। आप हमारी प्रीवियस वीडियोस चेक करो, आपको दिखाई देगा जितनों की भी हमने बात करी है कि वो हाइप्ड है, उन्होंने एग्जैक्टली स्ट्रेटजी को अप्लाई किया है। रिसेंटली एक क्वाइन आया जिसका नाम था वेंट क्वाइन, वो भी लॉन्च हुआ 20 सेंट के ऊपर स्टेबल हुआ और आज चल रहा है 35 सेंट, 40 सेंट के करीब वो लगा, यानी कि वो भी हो गया 2x। अगर अभी हम इंडस्ट्री के अंदर क्रिप्टो के अंदर अगर हम क्वाइन ढूंढने की कोशिश करते हैं और 2x फाइंड करने की ट्राई करते हैं, यस हो जाते हैं काफ़ी सारे क्वाइंस, लेकिन उनके ऊपर कई बार वेट करना पड़ता है, कई बार वो होते भी नहीं है। लेकिन अगर हम सुपर हाइप्ड आइडियोज के अंदर प्राइवेट इन्वेस्टर्स को निकलने के बाद एक स्टेबल प्राइस के ऊपर एंट्री करते हैं, हमारे को 20%, 50%, 100%, इनफैक्ट कई जगहों पे मूवर जैसे क्वाइन के ऊपर 8x, क्रिप्टोमीटर जैसे क्वाइन के ऊपर 10x जैसा प्रॉफिट भी मिला है। तो मेक श्योर करिएगा ट्रेंड का हम फायदा उठाए। गेमिंग टोकन्स है जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि मार्केट के अंदर ट्रेंड के ऊपर चल रहे हैं, उनके ऊपर फायदा उठा के प्रॉफिट निकाला जाए और एक अच्छा प्रॉफिट घर लेके जाया जाए बिना लालच करे। चलेंगे सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जानेंगे कौन से ये दो आइडियोज जो कि सुपर डुपर मैं जिनके ऊपर बुलिश हूँ और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 50x से 100x ये लिस्टिंग के ऊपर हो सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों का काम है वीडियो के ऊपर लाइक बटन को प्रेस जरूर करना है, साथ ही साथ इन दोनों आइडियोज के बारे में आपका क्या ओपिनियन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जानते हैं इन दोनों आइडियोज के बारे में, साथ ही साथ $2000 का गिव अवे आप लोगों के लिए आज मैं अनाउंस करने वाला हूँ। हाँ तो फ्रेंड बिना टाइम वेस्ट करे दोनों आइडियोज पे चलेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा दोबारा से स्ट्रेटजी के ऊपर, इसलिए आपको फोकस करना चाहूंगा, जब तक मार्केट में ट्रेंड चलता है, जब तक कोई चीज चलती है उसका एडवांटेज ले लेना चाहिए। ये ट्रेंड कब तक चलेगा नो वन नोस, मार्केट जब तक स्टेबल है, मार्केट सही चल रही है, ये ट्रेंड अच्छा चल रहा है, उसके बाद ये ट्रेंड को आप फॉलो नहीं कर पाओगे, स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर पाओगे। अभी तक करीबन करीबन 10 आइडियोज में इसने सुपर परफॉर्म किया है। वेंट भी एक आइडियो था किसका, डाओ मेकर का, जो कि लाइव हुआ 2 दिन पहले। आप देख सकते हो लॉन्च होने के बाद ये गिरा, ये तो पहली कैंडल तो आप फेक मांग सकते हो, उसके बाद ये स्टेबल रहा थोड़ा सा लेकिन ऊपर गया, उसके बाद थोड़ा सा फिर नीचे गया, और उसके बाद ये काफ़ी देर तक अगर मैं बात करूँ करीबन 8-10 घंटे तक इसी लेवल 0.21-22 सेंट्स पर चलता रहा। उसके बाद ये गया सीधा ऊपर पीक पे अबाउट 35, देन 38 सेंट, 39 सेंट के आसपास इसने क्रिएट किया, यानी कि 22 सेंट से अगर मैं बात करूँ 38 की, तो लगभग 80% ये ऊपर चला गया। एग्जैक्टली हमारी स्ट्रेटजी को इसने भी फॉलो कर दिया। सिमिलरली डी रेस, डायनॉक्स, वो तो समय आपको बता ही चुका हूँ, स्टेप हीरो, क्रिप्टोमेडा और बहुत सारे कितने सारे प्रोजेक्ट जो अभी लॉन्च हुए, सब ने ही यही सेम स्ट्रेटजी को वर्क किया है, इसको मिस मत करो। अब हम बात करते हैं हमारे दो आइडियोज की जो कि सुपर डुपर हाइप्ड है, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहली बात तो इसका नाम है थेटन अरीना, जो कि आ रहा है पेड इग्निशन के ऊपर। अगर हम इनके ट्विटर हैंडल के ऊपर चले तो आपको दिखाई देगा ये पोल का स्टार्टर पे भी आ रहा है और वहाँ पे व्हाइट लिस्ट होने की भी अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी। मैंने आपको ऑलरेडी व्हाइट लिस्ट होने की अपॉर्चुनिटी शेयर करी थी, जिन लोगों को मौका मिला थ्रू पेड इग्निशन या पोल का स्टार्टर, उन लोगों को अगर इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है फ्रॉम द कंपनी तो बहुत ज़बरदस्त आपको बेनिफिट हो सकता है, बिकॉज मैं इस प्रोजेक्ट से 50-100x एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इनफैक्ट 50 से ज़्यादा 100x की तरफ ज़्यादा मैं इसके ऊपर झुका हुआ हूँ, बिकॉज प्ले टू अर्न गेम है। ग्राफिक्स अगर आप देखोगे तो शायद आपने ऐसे ग्राफिक्स किसी और गेम में देखे ही नहीं होंगे। अगर आप देखेंगे इनको, इनका फर्स्ट लुक ही सुपर डुपर इम्प्रेसिव है। थेटन अरीना इज एन ई स्पोर्ट गेम बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। यू कैन गैदर योर फ्रेंड्स, फॉर्म अ टीम, बैटल विद अदर्स एंड अर्न मनी विद जस्ट योर स्किल्स। यानी कि आप अपने दोस्तों के साथ मिल के दूसरे लोगों के अगेंस्ट खेल सकते हो, अपने स्किल्स के साथ आप गेम को जीत के आप इस गेम से पैसा कमा सकते हो, तभी इसको कहते हैं प्ले टू अर्न कंसेप्ट। जैसे कि एक्सी इन्फिनिटी, जैसे कि हम बात करें स्किल गेम की, और बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त लोगों को 200-500x तक भी दिखाया। हम बात करें तो अगर आप नीचे पढ़ेंगे ध्यान से, मैं एक बार इनकी वेबसाइट को रिफ्रेश करना चाहूँगा,
यहाँ पे हम नाम पढ़ सकते हैं, फ्रॉम द क्रिएटर ऑफ कार्डिया चेन एंड हीरो स्ट्राइक। कार्डिया चेन हमारा एक जेम था 2019-20 की साइकिल के अंदर, और आप देख सकते हैं कि गेम जो है कुछ इस तरीके से दिखेगी, सुपर डुपर ग्राफिक्स के साथ। आप लोगों को अपने करेक्टर्स वगैरह को लेना होगा, बाय करना होगा NFTs को, उसके बाद आप उनसे फाइट कर सकते हो एंड उससे आप पैसा भी कमा सकते होगे। तो इनकी गेम भी इसके बाद लाइव होने वाली है, आप उसको पूरा वॉच कर सकते हो। गेम प्ले में क्या लिखा है, थिएटर अरीना गेम प्ले इज डिजाइन टू रिवॉल्व अराउंड द कॉम्बिनेशन बिटवीन योर पर्सनल स्किल एंड टीम वर्क, यानी कि अपने खुद के स्किल एंड टीम वर्क के साथ ही आप इस गेम को जीत पाओगे। चैलेंज योर सेल्फ विद अ वराइटी ऑफ गेम मोड्स, मोबा एंड बैटल रॉयल कमिंग अप विद मंथली अपडेट एंड अट्रैक्टिव रिवॉर्ड्स, यानी कि हर मंथ के अंदर उनके अंदर गेम्स के अंदर रिवॉर्ड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। NFT आइटम्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो NFT कार्ड्स होंगे जिसके अंदर वर्थ है किसी की 200 USDT, किसी की 2.5 USDT, किसी की 100 USDT, और आप इनके ग्राफिक्स देखोगे तो मैं तो कह सकता हूँ मैंने अभी तक बहुत सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म्स देखे हैं बट इनके जैसे ग्राफिक्स मैंने अभी तक किसी के पास भी नहीं देखे हैं। व्हाट्स थेटन क्वाइन, जो थेटन क्वाइन जो लॉन्च होगा वो क्या है उसके बारे में। थेटन क्वाइन इज अवर मेन इन गेम करेंसी विच कैन बी अचीव बाय प्लेइंग गेम मोड्स एंड पार्टिसिपेटिंग इन मैनी अदर एक्टिविटी। आप बहुत सारी एक्टिविटी से उसको टोकन को अर्न कर सकते हो, एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हो, एक्सचेंजेस के ऊपर उसको बाय सेल कर सकते हो। थेटन बॉक्स कोई मिस्ट्री बॉक्स कुछ होगा जिसके ऊपर आप उसका बेनिफिट भी ले सकते हो। फ्री टू अर्न है, स्पेशल इवेंट्स होंगे, बैटल होगी उसके अंदर, रैंकिंग रिवॉर्ड्स होंगे, क्वेस्ट मिलेगी, गिल्ड वॉर्स होगी एंड टूर्नामेंट्स होंगे इसके अंदर, यानी कि जितने ज़्यादा इसके यूज केस होंगे, जितने ज़्यादा टूर्नामेंट्स होंगे उतना ज़्यादा लोगों को थेटन टोकन को बाय करना पड़ेगा। तो गेम जितनी बड़ी होती जाएगी उतना थेटन टोकन भी बढ़ता जाएगा। मैं इस टोकन को बहुत ज़्यादा नज़र इसमें इसलिए रखने वाला हूँ क्योंकि कंपनी ने, मैं जिस हिसाब से इनके ग्राफिक्स वगैरह देख रहा हूँ, इनकी गेम जो देख रहा हूँ जो कि ऑलरेडी लाइव है, अगर हम गेम प्ले में जाए तो आप देख सकते हो, इनकी गेम को वॉच कर सकते हो आप। मैं कुछ सेकंड के लिए वीडियो को प्ले करता हूँ, तो आप काफ़ी हद तक इनकी गेम जो है वर्क ऑलरेडी उसके ऊपर हो चुका है। तो मैं मानता हूँ प्रोजेक्ट सुपर डुपर आगे बढ़कर हमारे को कह सकते हैं प्ले टू अर्न के ऊपर उनका यूज केस जो है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से टोकन का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर हम बात करें व्हाट्स थेटन जेम, फ्री टू अर्न कॉन्सेप्ट, मार्केट प्लेस होगा इनका खुद का, मार्केट प्लेस वाले टोकन इस वक्त वैसे ही भी जिनके ऊपर NFTs है, मार्केट प्लेस जिनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर है वो धमाल मचा रहे हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऊपर वो टोकन्स वो NFTs बिक रही है, तो वो भी एडवांटेज रहने वाला है थेटन के पास। स्टेकिंग का प्लेटफॉर्म भी लेके आ रहे हैं, अपने टोकन के ऊपर स्टेकिंग करके अर्निंग करने का ऑप्शन भी देंगे, और इवॉल्व हीरोज यानी कि अपने करेक्टर जो कि आपकी गेमिंग के अंदर आप बाय करोगे NFTs, उनको आप पावर उनकी बढ़ा भी सकते होगे। अगर आप उनकी कोर टीम की बात करो तो खैन न्यूगैन जो है हेड ऑफ गेम डिज़ाइन है, CEO फाउंडर है, CEO वॉल्व फन गेम के है, ये फॉर्मर CEO ऑफ बीका सॉल्यूशन के भी है, ट्राइफैम ब्लॉकचेन एडवाइजर, को फाउंडर ऑफ कार्डिया चेन एंड माई डीफाई पेट, आपने नाम सुना होगा ऑलरेडी माई डीफाई पेट का, जिसने बहुत ज़बरदस्त धमाल मचाया था और वो भी प्ले टू अर्न कॉन्सेप्ट के अंदर ज़बरदस्त गया था। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ इस गेम के ऊपर फोकस रखना, बिकॉज ये आने वाले टाइम में फॉर श्योर धमाल मचाएगी। कार्डिया चेन कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, डीफाई पेट कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, वॉल्व फन गेम के इनके पास बहुत सारे डेवलपर्स वगैरह सारे हैं जो कि इनके ऊपर काम कर रहे हैं। अगर रोड मैप की बात करें तो इन्होंने 2023 तक का अपना क्वार्टर वन तक का रोड मैप ऑलरेडी दिखाया है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इनकी गेम के अंदर हर महीने के अंदर कुछ अपडेट्स, कुछ चीज़ें आएंगी, एड ऑन्स होंगे, जिसकी वजह से इनकी टोकन की जो डिमांड है हर वक्त मार्केट में बढ़ती रहेगी। जिसकी वजह से इन्वेस्टर एंड पार्टनर की बात करें तो हम एनिमका ब्रांड्स, एवरेज वेंचर ग्रुप, कार्डिया वेंचर्स, AU121, काइरोस, K300 वेंचर, क्लोवर्स एंड मैनी मोर आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएंगे। अब चलते हैं इनके मेन, अगर हम बात करें ट्विटर हैंडल के ऊपर, इसके ऊपर आप लोगों को बता चुका हूँ वाइट लिस्ट करने की ट्राई करो, बिकॉज जिसको भी मिल गया उसको बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट हो सकता है इस प्रोजेक्ट के साथ। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए इस प्रोफाइल को, इनके पोर्टफोलियो को, ट्विटर हैंडल को, टेलीग्राम को फॉलो कर लो, बिकॉज यहाँ पे आपको काफ़ी सारी न्यूज़ आ सकती है, काफ़ी सारे यूज केस से पहले हम इन टोकन को बार बार बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और एक ज़बरदस्त प्रॉफिट लेके चल सकते हैं थेटन एरिना के साथ। जब ये लॉन्च हो जाएगा एक डिप वेट कर सकते हैं, और मैं इसके ऊपर काफ़ी खुद पर्सनली नज़र रखने वाला हूँ, शायद आपको आने वाले वक्त में एंट्रीज भी दूँ, और माइट बी हु नोस अगर ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करे तो मैं शायद इनको अपने जेम लिस्ट में भी डालूँ, हु नोस, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट प्रोजेक्ट अगर वैसा अच्छा परफॉर्म करता है तो येस आई माइट इवन एड ओवर देयर। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो थेटन के ऊपर आपको यहाँ पे वाइट लिस्ट का ऑप्शन सबको दिख जाएगा, उसके बाद
आप इनके लाइव एए में ऑलरेडी चल रहे हैं, उनके बारे में जाके आप और स्टडी कर सकते हो। मेक श्योर इनके टेलीग्राम एंड ट्विटर हैंडल को फॉलो कर लेना, कोई फेक चैनल को फॉलो मत कर लेना। यहाँ पे आपको वेबसाइट, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, फेसबुक सब कुछ आपको इनके ट्विटर हैंडल से मिल जाएगा, और थैटन अरीना इनका जो है ट्विटर हैंडल का शॉर्ट फॉर्म है। नाउ हम बात करते हैं सेकंड प्रोजेक्ट जिसकी काफ़ी मार्केट में हाइप मची हुई है, और अगेन ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है 3 एस्पेक्ट के ऊपर, और बहुत जल्दी ये लॉन्च होने वाला है, शायद 15th of September को इनका आईडियो होने वाला है। ये प्रोजेक्ट का नाम है एनीपैड। एनीपैड काम कर रहा है 3 ways के अंदर, और आपको बता दूं आज जो हमारा गिव अवे है वो भी एनीपैड की तरफ से ही है, $2000 का, जिसके अंदर $100 जीतने का मौका मिलेगा 20 लोगों को। लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है गिव अवे का, मेक श्योर उसके अंदर पार्टिसिपेट कर लेना। सिर्फ 4 स्टेप है, फॉलो करना है ट्विटर पे, रीट्वीट करना है एनीपैड को ट्विटर पे, और दोनों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स, और आप शायद जीत जाएं एनीपैड का ये गिव अवे जिसके अंदर आपको $100 ऑफ ट्रॉन जीतने का मौका मिलेगा। अब एनीपैड की अगर हम बात करें, 3 way काम कर रहा है। पहली बात, ये काम कर रहा है एक लॉन्च पैड लेके आ रहा है। लॉन्च पैड आपने बहुत सारे सुने होंगे, जैसे पेड इग्निशन खुद एक लॉन्च पैड है, आपने डाउ मेकर सुना, वैसे ही एनीपैड अपना एक लॉन्च पैड लेके आ रहा है। लॉन्च पैड के अंदर इन्होंने बहुत सारी ब्लॉकचेन को इकट्ठे सपोर्ट किया है, यानी कि आपने अगर देखा होगा तो शायद पेड इग्निशन सिर्फ और सिर्फ BSC या ERC20 टोकन को सपोर्ट करता है, मैटिक, सोलाना को अभी फिलहाल सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अगर हम इनकी बात करें तो ये बनाए स्मार्ट चेन, सोलाना, ह्यूबोई इकोसिस्टम, मैटिक एंड KU चेन को सबको सपोर्ट करता होगा इनका जो एनीपैड का लॉन्च पैड आ रहा है। साथ ही साथ आने वाले वक्त के अंदर ये लेके आएंगे AMM DEX, यानी कि अपना खुद का डेक्स भी इन्होंने लॉन्च करना है आने वाले वक्त में, थोड़े टाइम के अंदर। ऑडिट ऑलरेडी इनका किया हुआ है सर्डिक ने। अगर हम बात करें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कि इनकी न्यूज़ आई इनके अगर हम ट्विटर हैंडल के ऊपर चले, वो है एनीपैड एक्स स्टार स्ट्राइक गेमिंग इंटीग्रेशन। इन्होंने स्टार स्ट्राइक जो गेम है जिसका काफ़ी ज़्यादा हाइप था, उसके साथ इंटीग्रेशन किया है। डियर कम्युनिटी, वी आर वेरी एक्साइटेड टू अनाउंस दैट एनीपैड इज इंटीग्रेटिंग स्टार स्ट्राइक, अ प्ले टू अर्न गेमिंग मेटावर्स विद इमर्सिव शूटिंग एक्सपीरियंस। तो ये गेम के साथ भी इन्होंने इंटीग्रेशन किया। अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाओ तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई देगा स्टार स्ट्राइक प्ले टू अर्न मल्टीप्लेयर मेटावर्स गेम, जहाँ पे आप ये सारे के सारे जो आप कह सकते हो इनको रॉकेट्स और इनको शिप्स कह सकते हो, आप इनको बाय कर सकते हो। लेकिन उसको बाय करने के लिए आपको करना होगा एनीपैड के टोकन को स्टेक, और वो आपको थोड़े दिनों बाद फीचर्स लाइव दिखेगा। जब आप उनको स्टेक करोगे तो आप इन स्पेसशिप्स को बाय कर सकते हो, और उससे आप प्ले टू अर्न इनके कंसेप्ट के अंदर एंटर कर सकते हो, और देन आप और ज़्यादा पैसे को भी कमा सकते हो। दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि प्ले टू अर्न कंसेप्ट इस वक्त मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में ज़बरदस्त धूम मचा रहा है। इनको इग्नोर ना किया जाए, बिकॉज यही सारे प्रोजेक्ट्स का यूज केस बहुत बड़ा है। बिकॉज अगर आपको कोई गेम खेलनी है, और गेम का सबसे बड़ा असूल रहा है मार्केट के अंदर, जब भी आप गेम एंटर करते हो शायद आप एक्साइटेड ना हो, लेकिन जब आप 2 level पार कर जाते हो तो आपको वो सारे लेवल क्रॉस करने का मन करता है। दैट इज़ व्हाई उस गेम का यूज केस बढ़ता जाता है, और एट द एंड टोकन का यूज केस बढ़ता जाता है, जो कि इनका मेन एम है। तो अगर हम बात करें तो इन्होंने 2 चीज़ें तो डाल दी, लॉन्च पैड, साथ में डाल दिया डेक्स, साथ में गेमिंग की इंटीग्रेशंस भी इन्होंने करनी शुरू कर दी, और स्टेकिंग का ऑप्शन भी आने वाले वक्त के अंदर एनीपैड देने वाला है। एनीपैड इंक्यूबेटर की सर्विसेज भी दे रहा है, यानी कि अगर आप अपना खुद का प्रोजेक्ट लेके आना चाहते हो, यू हैव एन आइडिया, तो ये हेल्प कर सकते हैं आपको उसको लॉन्च करने के लिए, तो एनीपैड का इंक्यूबेटर ऑप्शन भी इनके पास है। फिर AMM DEX जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर हम बात करें, अगर जो इनके ऊपर फॉर एग्जांपल कोई गेमिंग टोकन आ रहा है इनके आईडियो प्लेटफॉर्म पे, तो अगर आप उनकी प्राइवेट सेल में पार्ट लेना चाहते हो तो आपको 10,000 APAT टोकन्स लेने होंगे, वाइट लिस्ट हो जाएंगे, और आपको ग्रेंटेड एलोकेशन भी मिलेगी, यानी कि अगेन अनदर यूज केस ऑफ APAT टोकन्स। ओवरफ्लो मेथोडोलॉजी, उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन गिवन है। अवर विजन टू सक्सेस Q21, Q3 2021, Q4 2021, उन्होंने ऑलरेडी उसके बारे में रोड मैप में सब कुछ बताया हुआ है। टेक्नोलॉजी फॉर इनोवेटर्स, हीको चेन, पोलका रेयर, स्पार्क पॉइंट एंड एटम के साथ ये लोग वर्क कर रहे हैं, बैक्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग टीम ऑफ इन्वेस्टर्स, एलवेंचर, bitcoin.com, हिरोनस वेंचर्स एंड मैनी मोर, आप यहाँ पर उनके बारे में पढ़ सकते हो। तो प्रोजेक्ट जो है बेसिक काफ़ी कुछ लेके आ रहा है, लेकिन अगर हम बात करें हाइप की, तो इनके साथ हाइप इनके साथ बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है। 81,000 फॉलोअर्स ऑलरेडी इनके पास हो चुके हैं। मेक श्योर करिएगा इनको सबसे पहले फॉलो कर लो, हमारे जो कंपटीशन है उसके थ्रू आप इनके ट्विटर हैंडल को फॉलो करो, टेलीग्राम को फॉलो करो, ताकि आप हमारे कंपटीशन ग्लीम कंपटीशन के थ्रू $2000 भी विन करने के आपको मौका मिल जाए। साथ ही साथ इनके पास जो प्ले टू अर्न कंसेप्ट आ रहा है उसको भी मिस नहीं करना है, एंड इस प्रोजेक्ट को भी हम सेटल डाउन होकर ट्राई करेंगे कि इसके अंदर हम एक अच्छी एंट्री बने, तो हम उसके ऊपर भी एंट्री ले, बिकॉज इसकी भी हाइप काफ़ी अच्छी है,
और ये भी 25x 50x दे सकता है प्रोजेक्ट, और अगर मार्केट और अच्छी रही तो 100x भी हो जाए, क्योंकि आज के डेट अगर बात करूँ थोड़े दिन पहले लॉन्च हुआ इथपैड, इथपैड ने 100x का प्रॉफिट दिया अपने प्राइवेट इन्वेस्टर्स को। तो सिमिलर ही है एनी पैड, लेकिन ये काफ़ी सारे फीचर्स को और ज़्यादा लेके आ रहा है, एलोबरेट करके लेके आ रहा है, जिसके अंदर इनको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज फिलहाल मार्केट में मिल रहा है। तो ये दो आइडियोज है जिनके ऊपर मैं काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले टाइम के अंदर। आप इनकी वाइट पेपर के अंदर और जितना भी पढ़ना चाहो इसके बारे में, सारा का सारी इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा आप ले सकते हो एनी पैड के बारे में। बाकी वट एवर इन्फॉर्मेशन जो भी होगी आपको इनके ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम हैंडल के ऊपर दोनों पे मिल जाएगी। बस मैं दो ही प्लेटफॉर्म को फिलहाल लेके आया हूँ आज इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये दोनों प्लेटफॉर्म हमारे को दोबारा मौका देंगे स्ट्रेटजी को यूज़ करने का और एक ज़बरदस्त प्रॉफिट लेने का। मेक श्योर जब मार्केट आपको साथ दे रही है तो मार्केट्स में काम करके पैसा निकाल लो, रेदर देन वेस्टिंग टाइम हियर एंड देयर। बिटकॉइन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा जाने दो जो करता है, हमारा काम है बिटकॉइन कमाना है, बहुत सारा बिटकॉइन कमाना है। ये मौका मिल रहा है हमारे को तो हम इसको मिस क्यों करते हैं। जब हमने एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना ही ली है जिससे हमें अच्छा प्रॉफिट मिलता ही जा रहा है तो वाई नॉट यूज़ दैट स्ट्रैटेजी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अगेन बहुत ज़्यादा बेनिफिट एंड प्रॉफिट देगी। अपना कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा ताकि मेरे को भी आपके ओपिनियन पता चल पाए इन दोनों प्रोजेक्ट्स के बारे में। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन एंड डोंट लीव विदाउट लाइकिंग द वीडियो।